Hello friends, this is ANNU SAINI and welcome again on Geeta IAS Academy channel and CTET, UPTET, all other state ke TET teacher eligibility test ki preparation jo log kar rahe hain 1-8 uske liye psychology, manovigyan, bal vigyan ya manovigyan ke liye part 4 lekar aapke saath hoon aaj main psychology ka. Psychology part 4 ko start karte hain. Teen part main kara chuka hoon most important question ke एंड आज का पार्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डोंट मिस द क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें. बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आया हूँ आज भी जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्पेशली उनके लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पार्ट 4 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन के तहत कौन से कार्य किए जाते हैं. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत कौन से कार्य किए जाते हैं. आंसर इज संचित अभिलेख, दत्त कार्य, एनेक्डोटल रिकॉर्ड. ये थ्री ऑप्शंस हैं, जो थ्री आंसर्स हैं ये सब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है. यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है. अब किसी एक ड्यूरेशन में अगर विकास प्रगति करता है और बीच बीच में वो उसमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल करता है, अनुकूलन करता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूलन करता है, रेस्ट लेता है, तो किसी विशेष अवधि में तो ये किस विकास के नियम को अनुसरित करता है, फॉलो करता है. एंड आंसर इज चक्राकार प्रगति का सिद्धांत. ये है चक्राकार प्रगति के सिद्धांत से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट में. जूनियर और प्राइमरी स्पेशली प्राइमरी की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, यूके टेट, हरियाणा टीईटी और सभी पंजाब टीईटी, इन सब में काफ़ी बार विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है. आंसर इज किशोर अवस्था. किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें इस अवस्था में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, बच्चे में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं. और किस मनोवैज्ञानिक ने तनाव एवं तूफान की अवस्था का है, विकास की किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, प्लीज कमेंट करके बताना है. कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए. क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता चिंतन सदैव होता है. सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, रचनात्मक क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. कोलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन एवरी एग्जाम. टीचिंग के हर एक एग्जाम में साइकोलॉजी से जरूर कोलबर्ग, पियाजे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बालक समाज के नैतिक मूल्यों, नियमों, सिद्धांतों को तार्किक ढंग से परिभाषित करने लगते हैं जो परंपरागत नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों से भिन्न भी हो सकते हैं. कोलबर्ग ने नैतिक विकास के तीन सिद्धांत बताए हैं. तीन सिद्धांत में से किस स्तर पर बालक जो है नैतिक मूल्यों, नियमों, सिद्धांतों को तार्किक ढंग से परिभाषित करने लगते हैं, वह है नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर. किस स्तर पर करने लगते हैं, नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है. डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है. डिसग्राफिया जुड़ा हुआ है लिखने की मीनिंग सही से लिख नहीं पा रहा है. अगर बच्चा है सही से लिख नहीं पा रहा है, उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, स्लो राइटिंग है, तो इस तरीके की जो है ये कंप्रीहेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुख्यतः किससे रिलेटेड रहते हैं, डिसग्राफिया कही जाती है. और ये एक मनोरोग है. ये किस कैटेगरी में आता है, एक मनोरोग की कैटेगरी में आता है. सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है. सीखने का वह सिद्धांत जो अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, मीनिंग जो मॉडल अवलोकित ऑब्जर्व कर रहा है, किसी को मॉडल मानकर उसको फॉलो कर रहा है, वो सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है, सृजनात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है. आरबी कैटल ने तरल बुद्धि का नियम दिया है. आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है. किसके तुल्य है, वंशानुगत कारको. आरबी कैटल ने जो तरल बुद्धि का नियम कॉन्सेप्ट दिया है वो वंशानुगत कारकों से संबंधित है, जिसमें किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर और प्रौढ़ अवस्था से आगे भी जितनी एज बढ़ती जाती है, जिसमें क्या होता है ये
वंशानुगत कारकों पर डिपेंड करता चला जाता है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहते हैं? स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने वाली बुद्धि को कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संपन्न जो भी बालक होता है वो अपनी भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित कर सकता है। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है विद्यालय की असफलता को। अनुवांशिकता किस सामाजिक संरचना का भाग है? अस्थायिक सामाजिक संरचना का भाग है, क्योंकि अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, अनुवांशिक लक्षण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए विकास के पियाजे ने दिया है, चार तरीके के सिद्धांत दिए हैं, इसमें चार टाइप बताए हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इस अवस्था में विचारों की विलोमियता पाई जाती है, मानसिक द्वंद्व पाया जाता है और संरक्षण आदि इस तरीके की क्वालिटीज बच्चे में पाई जाती है विकास की इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन मैं Part-5 अभी नेक्स्ट लेकर आऊँगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड UPTET में वैकेंसी आने वाली है। सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ट्यून्ड गीता IAS अकेडमी चैनल। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।